ओके गाइस, सो जैसे मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो यार मुझे एक डीएम जो है बार बार देखने को मिलता है कि भाई ऐसा कोई सा सोर्स बताओ या बता भाई, जिससे हम लोग ना किसी गर्ल से या फिर किसी मतलब लड़की से हम लोग फॉलो बैक ले सके ऑन इंस्टाग्राम। सो यार ये डीएम बहुत बार आया, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी यार, पर्सनली मैसेज करे कि यार भाई ऐसा कोई सा सोर्स बता यार, तू तो इंस्टाग्राम यूज़ करता है सो तुझे तो नॉलेज होगा ये वो। तो यार अब देखो यार, मैं पहले ही बता दूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ इतना बड़ा सा कि देखो भाई मैं इन चीज़ में तो प्रो नहीं हूँ, मतलब बेसिक नॉलेज है बट प्रो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं तुम लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रिसर्च करी इससे रिलेटेड, जब मुझे बहुत सारे डीएम्स आए तो मुझे लगा यार कि हाँ भाई यार मेरे भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। सो यार मैंने बहुत रिसर्च करी, कुछ लड़कियों से बात करी मैंने इस बारे में कि भाई तुम किस बेसिस पे फॉलो बैक करती हो, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने फैक्टर पे बात करी, एंड उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी बहुत सीरीज मतलब ज़्यादा नहीं, फिर भी मैंने इतनी रिसर्च कर ली कि हाँ भाई समझ आ गई चीज़ें कि क्या फैक्टर डिपेंड करता है। सो यार आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि तुम लोग ना कैसे इंस्टाग्राम पे किसी भी गर्ल से फॉलो बैक ले सकते हो। तो यार वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार रेड बटन को तोड़ो फोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक वाले बटन को मुक्का मार दो, एंड लाइक वाले बटन लाइक कर दो यार सिंपली, एंड मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, हमारी 58 की फैमिली है वहाँ पे, 58K की, तो जाना सर्च करना मनीष फॉर यू एंड फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो यार, हेल्प करो भाई की 100K पहुंचने में, कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे, बस सपोर्ट रहना चाहिए यार भाइयों का, ठीक है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी गर्ल से फॉलो बैक चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लड़की से फॉलो बैक चाहते हैं, तो ना उससे पहले आप लोगों को अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ेगा। देखो भाई, अब पहली बात तो तुम, मैं एक चीज़ तुम मतलब अपने से रिलेट करके देखो कि भाई अगर तुम किसी के फ़ोटोज़ देख लोगे तो उसे फॉलो किस बेसिस पे करोगे। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारा अकाउंट पब्लिक है और तुम फॉलो बैक चाहते हो तो यार बहुत कम चांसेस हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ना फॉलो बैक लेने से पहले अपना अकाउंट प्राइवेट ज़रूर कर लेना, या फॉलो करने से पहले अपना अकाउंट प्राइवेट कर लेना। ओके, सो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि मतलब कि फॉलो रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करवाएं, नहीं देखी जाकर देख लो, उसमें भी मैंने अच्छी खासी बातें बताई हैं, मतलब कि तुम्हें बताया कैसे फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो आज फॉलो बैक की बात हो रही है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है वो ये है कि भाई अपना अकाउंट सबसे पहले प्राइवेट रखो। एंड तुम यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तुम फॉलो बैक नहीं ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे तुम्हें फॉलो बैक मिलेगा। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फैक्टर लेके चल रहे हैं कि वो बंदी या बंदा, या ऑब्वियसली बात है यार दोनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बंदी या बंदा बोलेंगे हम, बट मेनली यार मेरे भाइयों के लिए बना रहा हूँ तो उनके लिए, ठीक है। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये लेके चल रहा है कि वो आपको नहीं जानता या जानती है, ठीक है। सो वहाँ पर आप लोगों को फॉलो बैक कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ना प्राइवेट अकाउंट रखना है। सेकेंड चीज़ की मान लो उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्ट करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि भाई ना अब तुम्हें उसकी पिक्स लाइक करनी है। अब उठा उठा के ऐसा नहीं कि भाई 15-20 पिक्चर्स हैं सभी उठा के लाइक कर दी, जो तुम्हें अच्छी लग रही है उस 2-4 पिक्स को ज़्यादा मत करना, 3-4 पिक्स को लाइक कर दो, तो यार उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि किसी ने पिक्स लाइक करी है, फोटो लाइक करी है, ठीक है। अब तुम यार ऐसे पे टारगेट मत करना जिसके 10-15 हज़ार फॉलोअर हैं, भाई पते भी नहीं चलेंगे, दिन भर लाइक्स आती है यार। मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि भाई मेरे कुछ रिलेटिव भी मैसेज कर देते हैं, फ्रेंड्स मैसेज करते हैं, भाई रिप्लाई नहीं करता, भाई कहाँ से करूँ, इतने मैसेज आते हैं उस पर इंस्टा पे, समझ ही नहीं आता, रेगुलर बहुत 100+ मैसेज आते हैं रिक्वेस्ट में यार, तो मैं माफ़ी चाहूँगा मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट कोशिश कर लेता हूँ सभी के कि पढ़ लूँ, ठीक है। सो ये तो बात हो गई कि हाँ ठीक है कि कम फॉलोवर होना, जब भी सबकी पोस्ट को लाइक कर दो, सारी पोस्ट नहीं करनी, 4 से 5 पोस्ट करनी है। ओके, सो 4 से 5 पोस्ट कर देनी है लाइक, उसके बाद ना किसी 1 या 2 पिक्स पे कमेंट करो। आप कमेंट भी उठा गिरा के मत कर देना, मतलब कि 10-15 कमेंट कर दी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तुम्हें करनी है कुछ ऐसी कमेंट मतलब कि जो रिलेट करे कि यार, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें कि क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उसने उसकी फ्रेंड के साथ फ़ोटो डाली, ठीक है, उस बंदी ने, तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है कि बोलना है कि, एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे कि तुम्हें बोलना है कि यार तुम्हारी फ्रेंड अच्छी लग रही है,
तो बोलेगी अरे मैं नहीं लग रही ऐसा कुछ, मतलब ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है। देखो भाई सीन क्रिएट करना आना चाहिए यार। देखो मैं इसमें तो मैं इतना मतलब सीन क्रिएट करने में ना मेरे फ्रेंड्स थोड़े आगे हैं मुझसे, तो उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता रहता है, दो चार हैं कुछ तो मिल जाता है ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें कमेंट करना है, लाइक करना है चार पांच फोटो, फिर कमेंट करना, और कमेंट ऐसा करना है भाई कि वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करें। ओके, और प्रोफाइल चेक करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि अपनी प्रोफाइल की जो डीपी है ना भाई, तुम्हारी गैलरी की सबसे बेस्ट फोटो लगाना, बिकॉज क्योंकि लोग है ना आजकल डीपी फुल मोड में ओपन कर लेते हैं, बहुत से एप्लीकेशन आ गए हैं, तो यार अब अच्छी डीपी लगाओगे जभी तो फॉलो बैक मिलेगा मेरे भाई। तो यार हो सके तो जितनी भी पिक्स है तुम्हारी उसमें सबसे अच्छी फोटो होगी उसको डीपी में लगा देना। ओके ठीक है। और उसके बाद ना तुम्हें मैंने यार बायो का कितनी बार बोलता हूँ यार मेरे भाई, बायो यार एक ऐसा लिखो कि और लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदे का कुछ स्वैग है अलग लेवल का ठीक है। सो यार देखो तुम मेरा बायो चेक कर सकते हो, पहले ही मैंने अपने बारे में बता दिया है कि भाई मेरे 85K सब्सक्राइबर्स हैं, टिकटॉक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। तो यार एक बायो ना मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल बंदे का बायो। बायो एंड डीपी गाइस मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे तुमने लाइक करा, तुमने उसको कमेंट करे एंड जरा सा भी उससे रिलेट कर गया ना, वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी एंड वो तुम्हारा जो डीपी अगर अच्छी लगी तो यार वो तुम्हें फॉलो करेगी, फॉलो बैक करेगी एंड तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा फॉलो बैक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी। उसके बाद रुको, उसके बाद तुम्हें ये करना है कि भाई जो तुम्हारे फोटोज़ है ना कुछ भी उठा के डाल देते हो, सेल्फी वगैरह सारे डिलीट करो, अच्छे खासे फ़ोटो रहने दो उसमें, तभी कुछ हो सकता है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। तो यार यही कुछ एक जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं, इसके आगे मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस ऐप को यूज़ करो, ये रामबाण इलाज है, अपन यार एकदम बिल्कुल फैक्ट पे बात करते हैं। तो यही कुछ सिर्फ यही कुछ सोर्स है भाई, यही कुछ सोर्स है ठीक है। तो एक और सोर्स है कि बातचीत करके कर लो, बट उसमें मज़ा नहीं है ठीक है। सो यही कुछ सोर्स है तो जिसके ज़रिए तुम फॉलो बैक ले सकते हो। सो होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना या डिसलाइक करना तुम्हारी मर्ज़ी, कमेंट कर देना इच्छा हो तो यार मजाक कर रहा हूँ, सारी चीज़ करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।